उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने नियुक्ति करके आज की डेट में 21 अगस्त को एक नियोग बिल जारी किया गया है। 200 पदों के रिगार्डिंग है। इसमें यहां पर आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन संख्या 57 था, जिसमें आपका यहां पर 14 मार्च 2024 में विज्ञप्ति जारी किया गया था। वन निगम की लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र 20 अगस्त 2024 से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए, जिसमें कथित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में चुने गए जनपदों में निकटस्थ परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अन्य जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्र आवंटित हो गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में कठिनाई व्यक्त करने व प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के आधार पर आयोग द्वारा उनके द्वारा चुने गए जनपदों के निकटस्थ जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्र आवंटित कर नए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर कल जिनके प्रवेश पत्र डाउनलोड करे गए थे, कई लोग अपने जो सेंटर से नहीं वहाँ पर नहीं बनाए गए थे, ऐसे में जो है आयोग ने वहाँ पर उनको नए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के ऑप्शन दे दिए हैं। और अतः जो अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अपना प्रवेश पत्र पुनः आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों को प्रॉब्लम थी 20 अगस्त को हमारे एग्जाम सेंटर कहीं दूर हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है आपके शहर में ही परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं और नए प्रवेश पत्र जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो आप जो नया डाउनलोड प्रवेश पत्र कर सकते हैं और अपना जो परीक्षा के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेने के लिए बोला गया है।